दमन गुजरात के युवा उद्योगपति श्री सरदार पटेल बुधवार को छनेरा स्थित संत बुखारदास बाबा की मढ़ी पर पहुँचे। श्री पटेल आध्यात्मिक यात्रा पर देश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने बुखारदास बाबा की मढ़ी पर दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री पटेल आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक किताब भी लिख रहे हैं, जिसमें वे अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में अपने अनुभव लिखेंगे। नमस्कार, हम इस समय छनेरा में संत श्री बुखारदास बाबा की मढ़ी पर आए हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है दमन से आए उद्योगपति श्री सरदार पटेल जी से, जो पूरे देश की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं और जगह जगह विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में वे छनेरा स्थित बुखारदास बाबा की मढ़ी पर पहुँचे। हम आज उनसे मुलाकात करते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। अपनी यात्रा के विषय में हमारे पाठकों को बताइए। यात्रा का विषय आध्यात्मिक है जी। पूरे देश में जितने अपने साधु संत महात्मा हुए हैं जी, तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की जो जनरेशन है, अगली पीढ़ी है जी, तो उन्हें ना अपने संतों के बारे में कोई जानकारी है, ना अपने देश की संस्कृति के बारे में ना जानकारी है, तो हम सब उस चीज़ से अलग हो रहे हैं जी। तो मेरा यही है कि मैं घूमूं और अपनी जो आगे की जनरेशन है या मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे द्वीप के लोग हैं, मैं उनको इस बारे में बताऊं कि अपने देश के अंदर इतने महापुरुष हुए हैं जी, कि आप उनका जरा सा भी सानिध्य ले लें जी, तो आपका जीवन तर जाएगा जी। आप जगह जगह जो जा रहे हैं, तो आपके जो अनुभव हैं उसके विषय में कुछ बताइए। अनुभव का बताऊं तो इसमें अनुभव मुझे ये हुआ है कि आज की जनरेशन जो है वो रुपए पैसे के पीछे भाग रही है जी। तो रुपए पैसा सिर्फ ये जीवन यापन की चीज़ें हैं जी। आत्मिक शांति चाहिए आपको, तो आपको संतों के पास जाना पड़ेगा जी, अच्छी जगहों पे जाना पड़ेगा जी, तब आपको आत्म शांति मिलेगी और मुक्ति का मार्ग यही है जी। क्योंकि यहाँ ये जो यात्रा है अपनी, ये जीवन की यात्रा है, ये तो धरती पर सिर्फ स्टार्टिंग है जी। मरने के बाद ओरिजिनल यात्रा आपकी चालू होती है जी। तो जब आप यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तब आपकी यात्रा अच्छी रहेगी जी। तो मेरा सिर्फ मोटो यही था कि मैं अपने जो इसको तपोभूमि बोलते हैं जी, अपने भारत के अंदर भगवान भी जन्म लेने को तरसते हैं जी। तो जब अपन इस देश के अंदर पैदा हुए, तो जो हमारा सनातन धर्म है जी, तो उसको हम क्यों ना जाने जी। इसलिए मैं पूरे देश की यात्रा पे निकला जी। आपकी यात्रा कब से प्रारंभ हुई है, अभी तक कितना समय हो चुका है और कब तक यात्रा चलेगी? अभी मैं कहाँ से चालू हुई है ये? मेरी दमन से स्टार्ट हुई थी यात्रा जी, और समथिंग अभी 3.5 महीने हो गए हैं जी, और अभी 3-4 महीने और लगना है जी। अभी साउथ साइड जाना है पूरा जी, तो अभी समथिंग 6-7 महीने की यात्रा है जी। तो पूरा 6-7 महीने की है, 3.5 महीने हो गए जी। आप जो यात्रा किए हैं, तो कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में बताइए, जहाँ जहाँ आप दर्शन करके आ चुके हैं। जैसे मैं नेपाल गया था पशुपतिनाथ, उसके बाद आपके अगर MP की बात करूँ जी, तो यहाँ पर शारदा माता आपके, फिर आपके सलकनपुर वाली देवी हुई जी, दादा धुनी वाले हुए जी, फिर यहाँ ब्रह्मगिरी आश्रम सिंगाजी महाराज जी, बैतूल में आपके बालाजी मंदिर है जी, शारणी में मठारदेव बाबा का मंदिर है जी, ये आपके MP के हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में नैना देवी हैं, ज्वाला देवी हैं जी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ हमारा छूट गया है क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो हुआ नहीं था जी। बाकी का पूरा क्षेत्र, ऊपर का पूरा क्षेत्र हो चुका है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है जी, ये सारी जगहें हो चुकी हैं जी। तो आपकी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, इसको लेकर आप कोई किताब भी लिखेंगे जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होगी? किताब मैं डेली जहाँ भी जो भी अनुभव करता हूँ वो मैं नोट करता हूँ जी, और जब यात्रा ख़त्म हो जाएगी तो वो बुक लॉन्च करूँगा, तो उसकी प्रतियाँ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ एक एक प्रति जो अवश्य पहुँचाऊँगा जी। तो हमें जैसा पता चला, आपने बताया कि आप उद्योगपति भी हैं दमन में, तो आपका व्यवसाय क्या है और आपको प्रेरणा कैसे मिली? मेरा मशीनरी का है जी, मैं जो सोयाबीन प्लांट हुए या जो अपने टेक्सटाइल प्लांट हुए उनकी मशीनरी बनाता हूँ वहाँ पे दमन में जी। और क्या होता है कि जब आप अपनी उम्र से ज़्यादा कमा लेते हैं जी, तो एक रहता है कि आपको जीवन में क्या करना है। मेरा शुरू से था कि भाई क्या है, ये जो धार्मिक चीज़ें ये मेरे को विरासत में मिली हैं मेरे पिताजी से जी। तो मैंने कहा कि भाई अब जब अपन पूरे सेटल हो गए, तो क्यों ना अपने देश की संस्कृति को जानने के लिए अपन निकलें जी। क्योंकि युवा वर्ग जो है वो अभी सोशल मीडिया में ज़्यादा व्यस्त हो गया है जी। तो मैं वो नहीं चाहता कि आप, सोशल मीडिया जो है वो अच्छी चीज़ है जी, लेकिन आप अपने धर्म से तो जुड़िए। अगर आप अपने धर्म और संस्कृति से दूर होंगे जी, तो फिर आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है जी। जी, और कुछ बात कहेंगे नई पीढ़ी के लिए, कोई संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि आप अपने धर्म और संस्कृति से जुड़िए जी,
अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे जी, तो धर्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा जी। तो हमारे साथ गुरुजी आमिर दास जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। उन्होंने जो आध्यात्मिक यात्रा पर आए हैं सरदार पटेल जी, उनका स्वागत किया है। बाबा जी से हम बात करते हैं। बाबा जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। हरदास बाबा की जय जी। आज आश्रम में जी श्री सरदार जी पटेल जी, जो दमन से गुजरात से जी दर्शनार्थ हेतु, संत बुखारदास बाबा के दर्शनार्थ हेतु आश्रम में पधारे हैं, यहाँ उनका स्वागत है जी, अभिनंदन है जी। उनकी एक धार्मिक यात्रा है जी, जो देश के युवाओं के लिए जी एक संदेश बनेगी जी। धन्यवाद। हमारे साथ भूरा भाई भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूरा भाई, आप क्या कहेंगे जो सरदार पटेल जी आए हैं यात्रा पर? बशीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे कुछ देर पहले मैन साहब का फ़ोन आया जी कि पटेल साहब आ रहे हैं राइस गुजरात से जी, जो धार्मिक यात्रा के लिए निकले हैं जी। उनका स्वागत हमने यहाँ पे रखा है जी, और उनसे हमारी बातचीत हुई है जी। उनने काफ़ी अच्छे विस्तार से कहाँ कहाँ गए, किस किस जगह पे धार्मिक स्थानों पे गए, किन किन से मिले जी, और उनसे हमारी बात हुई है जी। उन्होंने हमें विस्तार से बताया है जी, और ये गुजरात से हैं और उद्योगपति जी हैं जी। जी ठीक, धन्यवाद। तो आपने जाना कि जो गुजरात दमन से जो सरदार पटेल जी यहाँ पर आए हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनका सोयाबीन प्लांट का बड़ा कारोबार है, और अपना कारोबार को छोड़कर वे देश में निकले हैं सभी धर्म स्थलों पर एक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर, और साथ में वे एक किताब लिख रहे हैं ताकि आने वाली नई पीढ़ी को अध्यात्म और धर्म के विषय में विस्तार से जानकारी दे सकें। हमारी इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।